और उद्दीन भाई आप कुछ बोलेंगे? आप नाउमीद नहीं हो, समझा कि नहीं, नाउमीदी कुफ्र है। आप हौसला रख के, पंचायत के लोग एक दिन आपकी आवाज़ सुनेंगे और उनका उनके लिए भी मोहब्बत जगेगा आपके लिए। आप इतने उदास, आपको मैं हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, एक बार आप मुस्कुराएं। यहाँ की पंचायत के लोग आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, आप लगे रहें, समझा कि नहीं, क्योंकि आप चुक जाते हैं थोड़ी सी, हो सकता है कहीं पे आप चुक रहे हैं, उसको आप पूरा करें। क्या कमी है आपको, वक्त मिला है उसमें आप सर्वेक्षण करें, लोगों के बीच जाएं, ठीक है। आप इतने उदास नहीं हो, नाउमीदी कुफ्र है, आप तो लड़ने वालों में से हैं। दरवानी भी सब कोई दिया, जब आठ को वोट लेके घर से। हाँ चलिए, वो तो वोट दिया तब तो इतना वोट आया, बहुत अच्छा किया, वो तो एक हवा थी, समझा कि नहीं। लेकिन अलउद्दीन भाई से मैं बार बार कहता हूँ कि आप मुस्कुराएं, और आपको मौका मिला है आप पंचायत का सर्वेक्षण करें, दौरा करें, लोगों के बीच जाएं, क्या कमी है उन लोग से पूछें कि भाई हमें क्या कमी है, तो उस कमी को आप दूर करें और आपको जीत, आप कामयाबी आपको मिलेगी, ठीक है अलउद्दीन भाई। ना मैं गिरा ना मेरे हौसले गिरे, लेकिन मुझे गिराने में लोग खुद कई बार गिरे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास आया हूँ जिसे पूरा पंचायत योद्धा के रूप में जानता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो इस पंचायत का कहें तो हीरो या फिर योद्धा, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ इनको, मैंने योद्धा का खिताब दिया है। और जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, जो भी इस पंचायत में भी जीता होते हैं, वो इन्हीं से मुकाबला इनको उनको करना पड़ता है। चाहे आपने देखा होगा मुखिया पद के लिए हो, या फिर हाल में आपने उपचुनाव सरपंच का देखा हो, पंचायत में जो सरपंच का हुआ दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा, ये पंचायत राज में इतिहास लिखा जाएगा। अगर इनका इतिहास लिखा जाए तो स्वर्ण अक्षरों से इनका इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति जो हार नहीं मानने वाला, न किसी से डरने वाला। आज मैं उनके पास आया हूँ और उनसे जानूंगा कि आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है, किन लोगों से मिलती है। हर आदमी के बस की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जो कभी हार नहीं माना। तो मैं आज अलाउद्दीन जी के पास आया हूँ और ये खुद से बताएंगे कि मुझे वो हिम्मत कहाँ से मिलती है। दोस्तों, कैसे हैं अलाउद्दीन भाई आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। आप कुछ बताएंगे अपने बारे में, कुछ परिचय देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ की जनताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उससे पहले यहाँ की जनता से मेरी जमीर अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो के इकबाल अहमद की मोहब्बत सलाम कहती है। अभी मैं ये बतला दूं कि मेरा हिम्मत कहाँ से जुड़ता है और कैसे जुड़ता है। मैंने देखा है कि जनता का हमेशा हमें सहयोग मिला है, ये कहीं से भी जनता हमें पीछे नहीं छोड़ा है। लेकिन मैं एक गरीब मजदूर का बेटा गरीब हूँ, पैसे से लाचार हूँ, और पैसे के बल पर हमें यहाँ लोगों ने हराने का काम किया है। ऐसे मैं दावे के साथ और जनता के भरोसे पर यह कहना चाहता हूँ कि अगर पैसे का मुकाबला नहीं हो तो हमसे आगे यहाँ का चाहे जितना बड़ा प्रतिनिधि होगा हमसे आगे नहीं निकल सकता है, ये हमको पूरी अपनी जनता पर यकीन है। हम दोस्तों, आपने सुना अलउद्दीन भाई ने कैसे हम लोगों को समझाया कि मुझे ये हिम्मत कहाँ से मिलती है, ये पंचायत की जनता इनको हिम्मत देती है, इनके चाहने वाले बहुत हैं इस पंचायत में, क्योंकि ये चली में है गरीब। अपने आप को देखा आप लोगों, इन्होंने कैसे अपने बारे में बताया कि मैं गरीब का बेटा हूँ, और यहाँ की जनता की प्यार की बदौलत ये इनको वो शक्ति मिलती है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितनी बार इलेक्शन लड़ चुके अभी तक मुखिया पद के लिए? उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि दर्द मेरा आप नहीं समझे,
तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में आप नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन, आईना फिर आईना है सच ही बोलेगा हजूर, गर झूठ गर कहने लगा तो फिर उसे देखेगा कौन, आप क्यों खंजर छुपा के अपने आस्तीन में रखे हैं, हम तो आपके हैं आप तो मेरे हैं, मेरे आपको रोकेगा कौन। तो दोस्तों मैं जमीनी स्तर के नेता हैं और इनकी बात से वो दर्द जो निकल रहा है आप लोगों को एहसास हो रहा होगा कि ये किस स्तर के नेता हैं। इस पंचायत में अगर कोई जमीनी नेता है तो यही वाहिद एक ऐसा इंसान जब चाहे 500 की भीड़ इकट्ठा कर सकता है रोड पे और हर वक्त गरीबों के लिए खड़ा होने वाला ये वाहिद इंसान। आज मैं इनसे और जानने की कोशिश करूंगा और आप कुछ अपने बारे में बताइए हम लोगों को जो हम लोगों को यहाँ के पंचायत के लोगों को नहीं मालूम होगा। सबसे पहले हम ये जहाँ की जनता को बतला दें, मैं ये इलेक्शन इस 6 बार लड़ चुका हूँ जिसमें 3 बार मैंने नॉमिनेशन करके छोड़ दिया कि जनता हमें पहचाने। 2016 में ये सोच के मैं लड़ा कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ की जनताओं ने हमें दूसरा पोजीशन दिया। फिर हमने 2000 इलेक्शन में लड़े और ये सोच के लड़े कि हमको लड़ना है, जनता का सहयोग है, फिर हमको यहाँ की जनताओं ने सेकंड पोजीशन दिया। उसके बाद संजोग से हमारे प्रिय भाई महरूम अनवारुल खान जो हमारे करीब बहुत करीब दोस्त थे जिनके मर जाने के कारण ये सीट सीट खाली हुआ, यहाँ की जनताओं ने हमारे हमको कहा कि आप ये इलेक्शन लड़िए आप इस लायक हैं और जनता के कहने पर और खास तौर के हमारे इससे पहले 2021 में हमारे पंचायत से सरपंच के उम्मीदवार सत्तन साव मिथिलेश यादव थे, उन्होंने भी आकर जो उनके नन मुस्लिम थे उन्होंने आकर हमसे कहा कि इकबाल भाई आप इस लायक हैं आप इलेक्शन लड़िए हम लोग आपकी मदद करेंगे। और हमारे यहाँ हमारे पंचायत में हमारे हिंदुओं भाइयों ने मुसलमान भाइयों ने भरपूर मदद किया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें 35,1355 वोट देने का काम किया। लेकिन हम ये फिर कहना चाहते हैं कि जुल्म के हंसने की यादा देख रहा है, जालिम के हुकूमत का नशा देख रहा है, कुछ लोग खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ, लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है, लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ और यहाँ की जनताओं को बतलाना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि यहाँ जो जुल्म हो रहा है यहाँ की जनता भी देख रही है और यहाँ की जनता के साथ साथ हमारे जो अल्लाह ताला या भगवान है वो भी देख रहे हैं और इसका इंसाफ यहाँ के अल्लाह या भगवान जरूर करेंगे। इसी आशा पर हम जनता का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जनता ने हमें इस लायक तक पहुँचाया। दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि अगर पंचायत के बारे में अगर इतिहास लिखा जाए तो इकबाल भाई का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों पे, क्योंकि ये जब भी इलेक्शन लड़े ये हमेशा सेकंड पोजीशन, चाहे वो मुखिया का इलेक्शन हो या फिर अभी उपचुनाव हुआ था सरपंच का, दोस्तों उसमें इन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया और वो अभी जो सीट जीता है दोस्तों वो किसी दूसरे लोगों ने नहीं जीता है, वो अनवारुल हक साहब का बेटा ही जीता है वो चुनाव। ऐसा इसलिए हुआ कि एक सिंपैथी वोट उसकी तरफ गया, लोगों का कहना था कि मैंने जितने लोगों से बात किया सभी लोगों ने कहा कि ये उसका हक है इसीलिए उसको दे दिया जाए। तो मैंने इकबाल भाई के पास आकर के इनका हौसला अफजाई किया है ताकि इनका दिल छोटा नहीं हो, क्योंकि ये लड़ने वालों में से हैं न कि भागने वालों में से हैं, ये आगे भी लड़ते रहेंगे। और मैं एक बात कहूँगा कि टाइगर अभी जिंदा है, इनकी बातों से ऐसा लगा मुझे कि टाइगर जिंदा है और ये रिटर्न फिर आएगा टाइगर। अब जब आप
इकबाल भाई को देखेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में तो एक खूंखार इकबाल के रूप में आप देखेंगे। और आगे इन्होंने वादा किया कि इकबाल भाई की बात से ऐसा लगा कि ये जनता के प्रतिनिधि वाकई ये है, क्योंकि हमेशा ये इनको मैंने देखा है कि लोगों के बीच में रहते हैं। आप और कुछ बोलना चाहते हैं तो? मैं अपने पंचायत की जनता को बतलाना चाहता हूं कि आपने जो सहयोग किया, आपने जो मदद किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि हम हारे नहीं हैं, हम अभी भी अपने आप को जीत मान रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि आपके हक हकूक का लड़ाई हम और बहुत जल्द तेज करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने कुछ साल पहले कम्युनिस्ट में रहकर जनता के लिए अनशन पर बैठे, धरना किया, प्रदर्शन किया, रोड को जाम किए, मैं जनता से वादा करता हूं आज के बाद हम फिर उसी तरह से अनशन पर बैठने का काम करेंगे, धरना और प्रदर्शन करके प्रशासन को घेर के या किसी को भी जो यहाँ के हक हकूक को लूटने का काम करेगा उसको घेरने का काम करेंगे और जनता का हक हकूक जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। ये हम जनता से वादा करते हैं और जनता के साथ जो किसी जनता का अपमान होगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लड़ाई से उसे मान सम्मान दिलाने का काम करूँगा। जहाँ जुल्म होगा वहाँ इंसाफ दिलाने का काम करूँगा, जहाँ अन्याय होगा वहाँ न्याय दिलाने का काम करूँगा। दोस्तों, इनकी बातों से आप लोगों को एहसास हो गया होगा कि ये किस स्तर के नेता हैं, क्योंकि ये इस पंचायत में जाने ही जाते हैं इस तरह आक्रामक नेतागिरी करने के रूप में, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है ये जनता के बीच में रहने वाली है, न कि बेडरूम से नेतागिरी करने की है। तो आपको मैं हौसला अफजाई करता हूँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में ददौर पैदा, तो आप हिम्मत रखें, इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका होगा। और कुछ लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे जनता को, यहाँ के पंचायत के लोगों को? मैं यहाँ की जनताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने हमें वोट दिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ, और जिसने हमें वोट नहीं दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उसे भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको, ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इकबाल भाई को सपोर्ट करें। ठीक है।